दोस्तों ये है दुनिया का आठवां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर। सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है गाइस, ये है भारत का थर्ड लार्जेस्ट सिटी। यस गाइस, वेलकम इन सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है और ऐसे ही सब सेलिब्रेशन में ये लोग पार्टिसिपेट करता है। तो उसने फील किया इस सिटी को क्यों नहीं नाम दिया जाए द सिटी ऑफ जॉय। तब से गाइस कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक सिटी ब्रिज है, पर कोलकाता के बारे में जब सोचते हैं दैट कम्स अवर माइंड दैट इज द हावड़ा ब्रिज। गाइस हावड़ा ब्रिज का नाम तो आप सभी ने सुना है और जिसने नहीं सुना है शायद आपने देखा ही होगा किसी ना किसी मूवी में। यस गाइस दिस इज द हावड़ा ब्रिज। और हावड़ा ब्रिज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज दोस्तों हावड़ा ब्रिज है देश का पहला कैंटिलीवर ब्रिज। तो क्या है ये कैंटिलीवर ब्रिज गाइस? कैंटिलीवर ब्रिज है जिस ब्रिज में कोई सपोर्ट नहीं रहता है, सिर्फ आगे और पीछे दो पिलर रहता है एंड इट इज कॉल्ड द हैंगिंग ब्रिज आल्सो। और ये कैंटिलीवर ब्रिज पूरा भारत में सिर्फ एक है और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन एशिया आल्सो। सो गाइस यू कैन सी दैट इस ब्रिज में कितने सारे हिस्ट्री है। और अभी भी दो इट वॉज मेड इन द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश टाइम में ये ब्रिज तैयार किया गया था, बट अभी भी इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी स्टिल दिस ब्रिज इज इन सर्विस एंड हर दिन हजारों लाखों ट्रांसपोर्ट नदी के गंगा रिवर के इस साइड से उस साइड जाते हैं यूजिंग दिस कैंटिलीवर हावड़ा ब्रिज गाइस। सिटी ऑफ फेस्टिवल, ये फेस्टिवल हब है इंडिया में। यहाँ पर का जो दुर्गा पूजा होता है ना, ट्रस्ट मी गाइस, दुनिया में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा तो कोलकाता ही में होता है। और जो दिवाली गाइस, दिवाली इज जस्ट ऑसम ओवर हियर। यहाँ पर दुर्गा पूजा, दिवाली, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश चतुर्थी, होली से जन्माष्टमी, हर फेस्टिवल यहाँ पर इतना ताबड़तोड़ सेलिब्रेशन होता है ना, पूरा दुनिया से गाइस लोग आते हैं इस फेस्टिवल वाला शहर को देखने के लिए। पर ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करता है, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे ऑल्सो सेलिब्रेट ग्रैंडली देयर ईद। ऑल्सो जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी सेलिब्रेट देयर 25 दिसंबर, ऑल्सो द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑल्सो। सो इन वन वर्ड आई मस्ट से दोस्तों, कोलकाता इज जस्ट फेस्टिवल हब। ये इस फेस्टिवल हब के लिए कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ कल्चर, ऑल्सो द सिटी ऑफ फेस्टिवल ऑल्सो। शाम का वक्त है, भूख तो बहुत लग है, तो इसीलिए आई एम हैविंग द ब्रेड। बट कोलकाता का जो लोग है इस लोगों का फेवरेट जो खाना है दैट इज अ दाल चावल एंड मछली। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जाना गया है पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा मछली खाने वाला जो लोग है वो गाइस कोलकाता में ही पाया जाता है। सो गाइस ये जो आसपास आप जितना बंगाली देख रहे हो ना, ऑल द बंगाली पीपल ओवर हियर दे आर जस्ट फॉन्ड ऑफ फिश। सुबह शाम दोपहर को हर वक्त ये लोग राइस दाल और फिश खाते हैं। तो यहाँ पर मिल जाते हैं हजारों डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश और उसको बनाने के लिए दे आर जस्ट एक्सपर्ट। ये लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे डिलीशियस स्पाइसेस एंड इसका जो टेस्ट होता है माशाल्लाह दैट इज जस्ट ऑसम गाइस। दोस्तों कोलकाता को बोला जाता है कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, क्यों नहीं बोला जाएगा? बिकॉज कोलकाता इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रॉय
मदर टेरेसा जो जन्मा तो इधर पे नहीं है बट शी डाइड ओवर हियर एंड ये उसका था कर्मभूमि। ऐसे बहुत सारे इनॉर्मस कल्चरल आर्टिस्ट फेमस पीपल का जन्म स्थान है ये शहर कोलकाता और इसीलिए इस शहर को बोला जाता है कल्चरल हब। आप किसी भी एरिया में चले जाओ यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स लॉट ऑफ पीपल विद गुड नॉलेज एजुकेटेड पीपल। वो लोग बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट आइडियोलॉजीज अबाउट पॉलिटिक्स अबाउट डिफरेंट करंट इशूज। कोलकाता का लोग जितना पॉलिटिकली शार्प है कोलकाता लोग गाइस उतना ही आइडियोलॉजिकली स्मार्ट है। सो गाइस कोलकाता को इसीलिए बोला जाता है सिटी ऑफ कल्चर। दोस्तों चाय पे चर्चा शुरू तो किया था मोदी जी ने पर गाइस क्या आपको पता है ये चाय पे जो चर्चा है ना ये मोदी जी का चर्चा शुरू करने के बहुत बहुत साल पहले से ही कोलकाता में है। कोलकाता में किसी भी गली में किसी भी लुक्कड़ में चले जाओ आप देखोगे ऐसे मिट्टी के जो भाड़ से हाथ में लेकर चाय का प्याला हाथ में लेकर सभी जो सीनियर्स हैं जो मिडिल एज्ड है यंग पीपल है वो लोग चर्चा करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स एंड ऑल। पॉलिटिक्स से शुरू होकर फेस्टिवल के लिए अबाउट ऑल द करंट इश्यूज दे टॉक विद दिस टी तो इसको बोला जाता है बंगाल का चाय का चर्चा। सो गाइस अगर चाय का असली स्वाद लेना है आपको आपको कोर्स आना पड़ेगा कोलकाता में और किसी फाइव स्टार रेस्टोरेंट मत जाना गली लुक्कड़ में जो रोड साइड जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना वहाँ पर ही है गाइस चाय का असली मजा। ऐसे चाय आप बाहर को हाथ में पकड़ कर ऐसे आप जब चाय पियोगे ना यू विल फील इट बाय योर हार्ट आत्मा खुश हो जाएगा। सो गाइस ब्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करते हैं चाय पीते अभी चाय भी खत्म होने वाले है तो ब्लॉग को खत्म कर रहे हैं। होप सो गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो ऑल अप टू यू। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।